बिस्मिल्लाह इस वीडियो के अंदर जो है वो आगे नेक्स्ट हम लोग जो है वो किस तरह से रिजल्ट्स जो है वो निकाल सकते हैं, किस तरह से चीजों को देख सकते हैं, इन चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं जो है वो इस ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, रिस्पॉन्सिस की। रिस्पॉन्सिस की एवरेज देखें तो ये मेरे पास कुछ एनालिटिक्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। ये टोटल 19 रिस्पॉन्सिस की एवरेज आ रही है मेरे पास, 7.21। मीडियन पॉइंट जो है वो 7 आ रहा है और ये रेंज जो है वो मेरे पास शो करवा रहा है, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कौन कौन से लोगों ने जो है वो मिस किए हुए हैं, ठीक है। व्हाट थिंग्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दिस, ये 4 लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्सेज मिस किए हुए हैं, 2 लोगों ने मिस किए हुए हैं, एक ये क्योंकि मैंने सारे रिस्पॉन्सेज जो थे वो नहीं किए थे कि ये कंपलसरी है, तो इसलिए ये लोगों ने जो है वो कुछ मिस किए हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट जो है वो उन लोगों के सबके नेम आ जाएंगे, अगर आप लोग जो है वो नेम्स के हवाले से देखना चाहें, फादर नेम, ये क्वेश्चंस आ गए, अटेंडेंस शीट नंबर आ गया। उसके बाद अब ये मेरे पास आ गया है व्हाट थिंग्स कैन नॉट बी चेंज, ये उसके रिस्पॉन्सेज, 11 लोगों ने ये रिप्लाई किया, 7 ने ये किया, 3 लोगों ने ये किया है और 14 ने जो है वो ये किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड का आंसर, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ये मेरे पास सारी जो है वो रिपोर्टिंग्स की फॉर्म के अंदर जो है वो या आप लोग ये समझ लें कि टेबुलर फॉर्म के अंदर मेरे पास जो है वो सारा आंसर जो है वो आ चुका है, सारे आंसर जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ से मुझे जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ऑन एवरेज जो है वो क्लास की क्या जो है वो क्लास की जो है वो कारकर्दगी जो है वो परफॉर्मेंस किस तरह चल रही है, ठीक है। यहाँ से अब क्योंकि मैं इसको क्लोज कर चुका हूँ तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो अब अगर कोई भी इस फॉर्म के ऊपर जो है वो जाएगा और बेशक उसके पास URL क्यों ना हो, ये फॉर्म जो है वो मजीद रिस्पॉन्सेज को एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगेन ये ऑप्शन है जिससे आप लोग अपने फॉर्म को लाइव कर सकते हैं और इसी तरह से फॉर्म को जो है वो अगेन लाइव कंडीशन से हटा के दूसरी कंडीशन के अंदर जो है वो लेके आप लोग जो है वो जा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये 3 डॉट्स में आ रही हैं, गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर ईच रिस्पांस। अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे आपको नया कोई रिस्पॉन्स मिले आपको जो है वो ईमेल आ जाए, आप लोग इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन जो है वो चेक कर सकते हैं, अनलिंक फॉर्म कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और सबको जो है वो डिलीट भी आप लोग अगर चाहें तो जो है वो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सेज है वन बाय वन अगर मैं जो है वो इनके जो है वो आंसर्स या हर स्टूडेंट की जो है वो चेक करना चाहूँ कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो यहाँ पर ये शीट की ऑप्शन है। तो जैसे इसके ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी शीट जो है वो एक बनाई हुई है, जनरेट की हुई है, तो मेरे पास वो शीट ओपन हो जाएगी। तो आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो उस टाइम ये आ सकता है कि शीट अपनी जो है वो जनरेट करें और वो शीट आपके पास गूगल ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आपने उसका नेम देना है और इस तरह से आपके पास एक शीट जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये आप लोग देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइम है, पहला मेरे पास जब जब लोगों ने इसको सबमिट किया है, ठीक है। उसके बाद ये उनके जो है वो स्कोर्स आ रहे हैं, मीन्स ये उनका जो है वो रिजल्ट आ रहा है हर बंदे का। तो यहाँ से आप लोग जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं स्कोर पार्ट के किस स्टूडेंट के कितने जो है वो पॉइंट्स हैं या कितने आंसर्स हैं। ये इसी तरीके से जो है वो हर बंदे का नेम आ जाएगा, फादर नेम, अटेंडेंस शीट नंबर, उसके बाद जो जो उन्होंने आंसर दिए हैं मेरे पास वो सारी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये जो है वो आंसर्स देखने के बाद मैं लाइक चेक कर लूंगा कि क्या परफॉर्मेंस है हर इंडिविजुअल जो है वो स्टूडेंट की। तो अगेन यहाँ से आप लोग जो है वो इन सारी चीजों का जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, हर स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस थी। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं इसकी और लाइक अच्छा बनाने के लिए, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हेडलाइंस आ रही हैं इनको आप लोग मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये फिल कलर की ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो हेडलाइंस आ गई, उसके बाद हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं आगे, ये गूगल शीट्स के ऊपर इंशाल्लाह मैं कोई एक
फर्दर जो है वो कोर्स वगैरह जो है वो बना दूंगा, जिसके ऊपर आप लोग यहाँ से डिसाइड कर सकेंगे, जस्ट इन केस अगर किसी के जो है वो 10 से कम मार्क्स हैं तो वो फेल होगा, या जिसके ज्यादा हैं तो पास होगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसको नैरो डाउन कैसे करेगा वो इंशाल्लाह गूगल शीट का मैं जल्द ही जो है वो वीडियोस बनाऊंगा और वो सारी चीजें वहां पे अपलोड कर दूंगा। तो होप सो ये काफी ज्यादा आप लोगों के लिए जो है वो यूजफुल रहा होगा और आप लोगों को पता लग गया होगा कि अब आप लोग किस तरह से अपने ऑनलाइन क्विज बना सकते हैं, या और डिफरेंट असाइनमेंट्स जो है वो कितनी आसानी के साथ आप लोग जो है वो गूगल फॉर्म के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। तो बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लस जो है वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैं ग्रुप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कॉर्नर के नेम से जो है वो ग्रुप बना रहा हूँ, उसको भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो अभी मैं लिंक जो है वो ओपन कर देता हूँ। प्रीवियसली ये ग्रुप जो था वो इनएक्टिव था, लेकिन अभी इसको मैं एक्टिव करने जा रहा हूँ जी। ये ग्रुप है डिजिटल मार्केटर्स कॉर्नर। प्रीवियसली जो है वो ऑलमोस्ट अनएक्टिव था, लेकिन अभी इसको मैं इंशाल्लाह एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह काफी ज्यादा कंटेंट जो है वो मिल जाया करेगा। तो आप लोग इस ग्रुप को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस और मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियोस अच्छी लगे हैं तो इसको जो है वो लाइक भी लाजमी कर दें। थैंक यू।